बिल्कुल भीगा हुआ धान है, इसको यहाँ मशीन इधर यहाँ पे गर्म होता है, देखिए पारो जैसे कि यहाँ पे गर्म हो रहा है, कैसे अच्छा देखिए पारो जैसे कि। तो दोस्तों जो बासमती राइस होता है, बासमती राइस हम लोग खाते हैं, वो बासमती राइस का ये चूरा है। आया हुआ हूँ बिहार में, आप सबको पता है, तो बिहार में चूरा मतलब जिसको बंगाली में बोलते हैं चीरे, तो चूरा यहाँ पे बनता है। कैसा उसका प्रोसेस क्या है चूरा बनने का, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, धान से कैसे चूरा होता है पूरा ये मिल के सब दिखाया गया है। तो आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो भाई एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से पीछे मत हटिएगा, कंजूसी मत करना, एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए पारो पहले यहाँ पे धान को रखा जा रहा है, इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं, तो चलते हैं। सर देख ही पा रहे हो एक एक का बुला लाओ। हाँ तो यहाँ पर धान डाला जाता है, इसमें गर्म होता है फिर मशीन में जाता है। ये धान सब लोग देख ही पा रहे हो, ये धान है, ये धान अभी भीगा हुआ धान है, ये धान भीगा हुआ है, बिल्कुल भीगा हुआ है, बिल्कुल भीगा हुआ धान है। इसको यहाँ मशीन इधर पे यहाँ पे गर्म होता है, देख ही पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे गर्म हो रहा है, कैसे गर्म, इसमें भूसा डाला जाता है फिर इधर फेंकता है, आग बढ़ता है। अच्छा देख ही पा रहे हो जैसे कि ये है भूसा चूरा वाला, ये भूसा से यहाँ पे होता है आग। देख ही पा रहे हो भूसा जा रहा है वहाँ पे आग हो रहा है और उसी आग से ये गरम हो रहा है, ये जो है धान, ये धान गरम हो रहा है इसी से, गरम हो गया धान हो गया है गरम, और लाने का प्रोसेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको जो निकाला जा रहा है लाया जा रहा है, प्रोसेस भी बहुत मस्त है। तीन से चार मिनट यहाँ पे गर्म होगा, इसके बाद यहाँ पे से लेके इसको जो चूरा बनाने का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी दिखाते हैं, कैसे इसको वहाँ पे धकेला गया। धान यहाँ पे धान जो है धान गर्म हो गया, ये धान गर्म होने के बाद अब क्या होगा दिखाते हैं आप, प्रोसेस अगला प्रोसेस है दिखाते हैं आपको। उलझाना है अब इससे आएगा चूरा, देखने लायक रहेगा, तो गर्म होने के बाद यहाँ पे आके इसको चूरा बनने का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है यही है, यहाँ से ही चूरा होगा। इधर जो है ये धान का जो भूसा होता है, भूसा इधर आ जाता है नीचे से, ये जैसे नीचे नीचे गिर रहा है, ये धान का भूसा है, और यहाँ पे चूरा बनने का जो प्रोसेस है वो चालू है। इसका जो भूसा है पूरा नीचे निकल गया है, देखिए पा रहे हो जैसे कि, और यहाँ पे पूरा एकदम ये भी रेडी हो ही चुका है, रेडी हो गया, अब देखा जाए, देखिए तो देख ही पाए दोस्तों, ये है चूरा, बंगाली में बोलते हैं चीरे, तो दोस्तों यही है, समझ ही पा रहे हो यार, और ये खाने में भी बहुत टेस्ट रहता है, जैसे कि देख ही पा रहे हो खाने में भी गजब का टेस्ट लगता है ये। यही जो भूसा देख रहे थे यही भूसा को वहाँ पे डाला जा रहा है, तो एक गर्म हो रहा है धान यहाँ पे हो रहा है। हाँ बासमती धान का चूरा है क्या, कौन सा बासमती धान, बासमती धान
अच्छा सो दोस्तों ये जो धान चावल बोलते हैं ना, हाँ तो दोस्तों जो बासमती राइस होता है, बासमती राइस हम लोग खाते हैं, वो बासमती राइस का ये चूड़ा है। इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में राइस, तो समझ लीजिए चूड़ा खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। बासमती राइस का चूड़ा है ये, तो समझ ही पा रहे हो यार। बिहार का चूड़ा है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं थोड़ा चूड़ा, ये जो चूड़ा है इसको थोड़ा खाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे भैया जी ने बहुत मदद की है, और यहाँ पे चाचा ये हुए भी उनको बहुत मदद की है, और मेरा भाई भी है, ये तो मदद करता ही है। तो बहुत अच्छा लगा, और वीडियो से जो भी वीडियो को देखे हो भी जल्दी से जल्दी भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कुछ और भी जो आप लोगों को और कुछ स्पेशल देख पाओ, ऐसा कुछ वीडियो लेके नया आएंगे आपके।